नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट पे और मैं हूँ आशुकेश तिवारी। जैसे इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट हर एक स्टार से रिलेटेड एक स्पेशल स्टोरी आप सबके साथ लेके आता है, वैसे ही एक और स्टोरी हम आपके लिए लेके आ गए हैं। वो स्पेशल स्टार क्रिकेट से भी ताल्लुक रखता है और वो स्पेशल स्टार बॉलीवुड से भी ताल्लुक रखता है। अब वो जो स्पेशल स्टार है वो बॉलीवुड से ताल्लुक कुछ इस तरीके से रखता है क्योंकि उसका रिलेशन एक बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर, ऐसा कह सकते हैं कि फिल्म अभिनेत्री के साथ है। 90s की वो फिल्म अभिनेत्री अपने दौर की सबसे पॉपुलर फिल्म अभिनेत्रियों में से एक हैं। हम बात कर रहे हैं अमृता सिंह के बारे में। जी हाँ, सैफ अली खान की एक्स वाइफ अमृता सिंह और क्रिकेटर रवि शास्त्री के रिलेशन के बारे में बहुत से कम लोगों को पता होगा कि सैफ अली खान से पहले अमृता सिंह रवि शास्त्री के साथ रिलेशन में थी। रवि शास्त्री एक ऐसे भारत के क्रिकेटर हैं, बल्लेबाज हैं, जो कि बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते थे और हाल ही में उन्होंने हेड कोचिंग भी कर रखी थी, इंडिया टीम को हेड कोच भी कर रहे थे। अब उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद से हेड कोच को चेंज कर दिया गया है। खैर, ये बात अलग है। हम आज आपको बताने वाले हैं कि कैसे रवि शास्त्री और अमृता सिंह की शादी होते होते रहेगी बस एक वजह के कारण, और वो वजह थी, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर वो वजह मान लेती अमृता सिंह तो आज सैफ अली खान के साथ शादी ना होगी, कहीं ना कहीं रवि शास्त्री के साथ शादी हुई होती अमृता सिंह की। चलिए सबसे पहले आपको ये बता दें कि अमृता सिंह के जीवन में सबसे पहला जो शख्स आया वो रवि शास्त्री ही थे। रवि शास्त्री भी उस दौर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बैट्समैन थे, इंडियन प्लेयर थे। उन्होंने ये शर्त रखी थी अमृता सिंह से शादी के लिए कि उनको बॉलीवुड छोड़ना पड़ेगा, उनको अपना करियर छोड़ना पड़ेगा, और ये उनकी शर्त अमृता सिंह को रास नहीं आई थी और इसी शर्त की वजह से उनका रिलेशन टूट गया। इसके बाद से जब उनका रिलेशन टूटा तो वो विनोद खन्ना के साथ रिलेशन में आई। बताया जाता है कि ये भी रिलेशन काफ़ी टाइम तक चला था और दोनों सीरियस भी थे, दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन जो अमृता सिंह की माँ है उनको ये रिलेशन पसंद नहीं था और उन्होंने इस शादी को तोड़ दिया। उसके बाद से एंट्री होती है सैफ अली खान की। सैफ अली खान उस दौर में अभी आए ही थे बॉलीवुड में, हालांकि वो एंट्री नहीं कही जाएगी बट फिर भी बॉलीवुड में उनकी एंट्री होने वाली थी और तभी अमृता सिंह ने उनसे शादी कर ली थी। और इस शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें भी चली थी उस दौर में क्योंकि 1991 में ये शादी हुई थी और उस वक्त कोई वजूद नहीं था सैफ अली खान का, और इतनी बड़ी अभिनेत्री जो कि बॉलीवुड के पीक पे थी, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग एक्ट्रेसेस में से एक थी, उन्होंने इनसे शादी कर ली थी। इसके बाद से सबने पूछा था कि इसमें क्या खास है, बट फिर भी इनकी शादी हुई और शादी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। 13 सालों बाद इनका डाइवोर्स हो गया और आज अमृता सिंह अकेली हैं। तो ये थी अमृता सिंह और रवि शास्त्री के बीच की कहानी। अगर रवि शास्त्री की वो शर्त मान ली होती अमृता सिंह ने तो आज शायद अमृता सिंह सैफ अली खान के साथ आगे शादी नहीं कर पाती या फिर सारा अली खान नहीं होती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर आपको ऐसी ही बॉलीवुड से रिलेटेड, बॉलीवुड के स्टार से रिलेटेड स्पेशल स्टोरी जाननी है तो हमारे चैनल इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।